सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की कमाल की टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा कमाल की और सबसे ज़्यादा डेंजर एंड मिस्टीरियस माइनक्राफ्ट सीड। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी सीड बताऊँगा जिसके अंदर आपको बहुत ही कमाल कमाल के मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही कमाल कमाल के मॉन्स्टर आपको देखने को मिलेंगे और आप इस टेक्निक की मदद से आप भी अपने वर्ल्ड को जनरेट कर सकते हो और इन मॉन्स्टर से आप लोग फाइट कर सकते हो। आज मैं आपको माइनक्राफ्ट की कमाल की एंड टॉप सीड देने वाला हूँ। आप इस सीड के अंदर जाने के बाद आपको मिस्टीरियस एंड डार्कनेस देखने को मिलेगी, साथ ही आपको इसके अंदर ढेर सारे ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे माइनक्राफ्ट के नए वर्ल्ड में। सबसे पहले आपको अपने वर्ल्ड का नाम देना है, उसके बाद सर्वाइवल मोड चुन लेना है और अपनी जो है आपको अपना कोऑर्डिनेट डालना है। अब सीड आपको क्या डालनी है, सीड आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए। सीड आपको डालनी है 5218734690487319, आपको ये वाली सीड डाल देनी है और आप अपने हिसाब से सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, ग्राफिक्स भी आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आप अपने वर्ल्ड को जनरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। स्पॉन होते ही आपका स्पॉन पॉइंट कुछ इस तरह का होगा, आप लोग देख सकते हो। जैसे ही आप स्पॉन हो जाओगे उसके बाद आपको वुड कलेक्ट करना है और अगर आसपास कहीं पे स्टोन दिख रहा है तो आप स्टोन के टूल कंप्लीट कर लो। तो मैं यहाँ से वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले अपने लिए वुड के टूल कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने लिए वुड कलेक्ट कर लिया और क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिए। तो इसके बाद मैं एक पिकेक्स और एक एक्स बना लेता हूँ और अगर स्टोन मिलेगा तो मैं स्टोन के टूल कंप्लीट कर लूँगा। तो अब मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरफ सीधे जाने वाला हूँ। जी हाँ, तो मैं इस तरफ जाऊँगा और जितना भी फूड मिलेगा या फिर कोई विलेज मिलता है तो मैं आगे आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, आज की जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मुझे स्टोन भी दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट स्टोन कलेक्ट करके भी अपने लिए टूल कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मैं 4500 ब्लॉक आगे आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इस वर्ल्ड के अंदर ना ही कोई एंटिटी मिला है और ना ही कोई मॉन्स्टर। तो मैं और जो है 6000 ब्लॉक आगे चलने वाला हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं 6500 ब्लॉक आगे आ चुका हूँ और अभी तक ओशन हमारा पार नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट मैं इतना आगे आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। तो मैं आगे की जर्नी इसी तरह कंटिन्यू रखूँगा और जो है 4000 ब्लॉक और आगे जाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 10000 ब्लॉक कंप्लीट करने वाला हूँ लेकिन अभी तक मुझे इस वर्ल्ड के अंदर ना ही कोई एंटिटी मिला है और ना ही कोई मॉन्स्टर। तो हो सकता है कि 1.19 के अपडेट में इस ग्लिच को फिक्स कर दिया गया हो। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो 1.14 में आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।